हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। इफ़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर नर्सिंग से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती रहेंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए तो हम पूरी डिटेल देख लेते हैं। ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल द्वारा, में जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करने की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 22 जनवरी 2021 से। यह जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी रिलीज़ की गई है, परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये ओनली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर यह वैकेंसी रिलीज़ की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ नर्स पोस्ट फॉर ICMR फंडेड प्रोजेक्ट के लिए ये जॉब रिलीज़ की गई है, जो कि कुछ समय के लिए रहेगी, ओनली फॉर 3 मंथ्स के ड्यूरेशन के लिए रहेगी। यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हैं, नेम ऑफ द पोस्ट स्टाफ नर्स, पे स्केल आपका रहेगा 31,500 रुपये पर मंथ। पोस्ट आप देख लीजिए, सिर्फ एक पोस्ट रिलीज़ की गई है, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर एक रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, यदि आपका 10+2 कम्प्लीट रहना चाहिए बायोलॉजी से, साइंस से, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स इन ANM विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन NABH एक्रेडिएटेड हॉस्पिटल। यदि ANM का डिप्लोमा है आपके पास तो आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए NABH हॉस्पिटल से। GNM यदि कर रखा है आपने तो आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए NABH हॉस्पिटल से। और यदि आपने BSc नर्सिंग कर रखा है डिग्री कोर्स तो फिर आपको उसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं रहेगी। एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिए 30 ईयर्स रखी गई है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द एम्स भोपाल वेबसाइट। यदि आप इसका फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो एम्स भोपाल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.aimsbhopal.edu.in, आप इस वेबसाइट पर जाके इसका जो फॉर्म है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म एम्स की जो वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको स्कैन कॉपी करके इस जो जीमेल आईडी है इस पर आपको सेंड करना रहेगा। जो ये जीमेल आईडी दी गई है ये ICMR AIIMS Bhopal AMSP2018@gmail.com, इस जीमेल आईडी पर आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना है और आपको स्कैन कॉपी करके ही उसे सेंड करना है फिल करके। फिर उसके बाद कुछ टर्म एंड कंडीशंस रखी गई हैं यहाँ पर, वो देख लीजिए। एप्लीकेशन मस्ट बी फिल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, आपको उसी फॉर्मेट में सबमिट करना है जो फॉर्मेट आपको वेबसाइट पर दिया गया है उसी फॉर्म को आपको फिल करना है। अटैच्ड अलॉन्ग विद एडवर्टाइजमेंट, आपको एडवर्टाइजमेंट भी जो है वो अटैच करना रहेगा साथ ही साथ। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन डाउनलोड फ्रॉम एम्स भोपाल वेबसाइट, जो आप डाउनलोड करेंगे वो एम्स की जो वेबसाइट अभी हमने बताई है आपको वहीं से जाके डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद इनकम्प्लीट जो रहेगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म यदि तो वह एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये कॉल ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर रिटर्न एग्ज़ाम, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे उन्हीं को एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। इसमें आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, नो TA DA विल बी गिवन फॉर द सेम, आपको इसके लिए किसी भी प्रकार का TA DA नहीं पे किया जाएगा, आपको अपने खर्चे पे ही जाना है यदि आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है तो। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ 1 फोटोग्राफ इज मस्ट टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, यदि आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है तो आपको हार्ड कॉपी अपनी लेके जानी है एप्लीकेशन फॉर्म की, और आपको साथ ही साथ एक फोटोग्राफ, एक अपनी फ़ोटो भी लेके जाना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन मार्कशीट डिग्री एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैज़ टू बी सबमिटेड बाय शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। यदि आप एग्जामिनेशन के लिए आपको बुलाया जाता है तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स करा के फ़ोटो कॉपी करा के लेके जाना है साथ में, आपके डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए, और जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो सभी आपको साथ में लेके जाना है। यदि किसी कंडीशन में कोई भी कैंडिडेट इनएलिजिबल पाया जाता है तो उसे एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, और जो इसमें आपका ड्यूरेशन है वो 3 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका 3 मंथ का रहेगा। 3 मंथ की ड्यूरेशन के लिए आपको जो है ये वैकेंसी रिलीज़ की गई है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारा वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।